हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एचएसएन कोड को लेकर के है। तो हम कैसे एचएसएन कोड के बारे में जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जब भी कोई स्टॉक आइटम नया बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक नया स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके मैं परचेस वाउचर में एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया पेन ड्राइव, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने पेन ड्राइव, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आइटम रख देता हूँ, यहां पर आइटम रखता हूं और यहां तो वाई प्रेस किया, तो यहां एचएसएन कोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें एचएसएन कोड अगर चाहिए हो तो कहां से हम प्राप्त करेंगे। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक आइटम है, ठीक है। मैं यहां पे करता हूं, जैसे मान लीजिए साल्ट, नमक, ठीक है, यहां पे लिखा हमने साल्ट और एंटर प्रेस किया और यहां पर प्राइमरी रख लिया हमने और यहां पर आइटम कर देता हूं या केजी कर देता हूं, केजीएस, ठीक है। अब यहां पर आता हूं, जीएसटी के रेट को अल्टर कर रहा हूं, यहाँ पे चूंकि हमने साल्ट लिया है तो यहाँ पे साल्ट लिख देता हूँ, SALT, ठीक है, साल्ट लिख दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर एचएसएन कोड की जरूरत पड़ेगी हमें। अब जब जीएसटी फाइल करना होता है और आपका बड़ा होता है तो आपको वहां एचएसएन कोड की भी जरूरत पड़ती है। जनरली तो एचएसएन कोड की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर एचएसएन कोड की जरूरत पड़े तो हम कहां से लेके आएंगे, तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे मिनिमाइज कर देता हूं और ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करेंगे आप तो आपको क्या सर्च करना है वो बता देता हूं। आप यहां पे सर्च कीजिएगा एचएसएन कोड, जैसे नमक हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, तो ये सब ग्रोसरी के आइटम में आते हैं, ठीक है। तो आपको सर्च करना है एचएसएन कोड फॉर ग्रोसरी आइटम्स, इसको सर्च कीजिएगा गूगल पर और जैसे ही सर्च कीजिएगा कुछ इस तरह की डिटेल खुल करके आएगी, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये देखिए ये तमाम चीजें खुल करके आई हुई है। यहां पर आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना, www.consultees.com, यहां पर आना है जीएसटी कंप्लायंसेस इन इंडिया, ठीक है, और ये जीएसटी एचएसएन कोड लिस्ट ऑफ किराना स्टोर, यहां पर कर देना है क्लिक, जनरल स्टोर, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब यहां पर नीचे जाइएगा तो यहां पर जैसे ही नीचे जाइएगा तो यहां पर तमाम वो चीजें, ठीक है, जैसे नमक के लिए एचएसएन कोड क्या है, 2501। अब ये जनरली दो या तीन अंकों का हम एचएसएन कोड ही लिखते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको हम ले लेंगे, यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अब हम जा करके यहां पर यानी कि अपने जहां हम एंट्री पास कर रहे हैं टैली की वहां पर चले जाएंगे और यहां पर जाने के बाद ये आ गए, ठीक है, और यहां पर उस चीज को पेस्ट कर देंगे। तो 2501 ये एचएसएन कोड हो गया किसका, नमक का, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर कर देंगे इसे टैक्सेबल, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर मान लीजिए इस पर टैक्स लग रहा हो 10%, तो ये 10 कर दिया, या 5% मान लीजिए लगा रहे हैं तो ये 5% का टैक्स लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया और इसे करा लिया एक्सेप्ट, ओके। अब यहां पे ये साल्ट आ चुका है। अब साल्ट जैसे मान लीजिए 6 किलो आप नमक खरीद रहे हैं, ठीक है, और 1 किलो नमक की कीमत है 32 रुपए, यहां पर कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया। अब यहां पर लगाना है जीएसटी, ठीक है, तो टैक्सेस कैसे लगाएंगे हम, सीजीएसटी का लेजर पहले बना रखा है हमने, एंटर प्रेस करूंगा सीजीएसटी पे जाकर के, तो यहां सीजीएसटी आ गया, एंटर प्रेस किया। अब एसजीएसटी पे जाकर के और एंटर प्रेस करूंगा तो एसजीएसटी भी आ जाएगा। अब हमें यह पता करना है कि साल्ट के लिए हमने जो टैक्स रेट दिया है वो, और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मोर डिटेल्स पे जाना है, ठीक है। जैसे ही मोर डिटेल्स पे जाएंगे तो यहां पर आपको, और यहां पर आ जाइए जीएसटी टैक्स एनालिसिस पर, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर देख सकते हैं ये टैक्स कितना लगा हुआ है, ठीक है, सॉल्ट पे कितना टैक्स लगा हुआ है, 192 रुपए का टैक्स, 192 रुपए कुल टैक्सेबल वैल्यू है और उस पर 9.50 रुपए टैक्स लगा है, और दाल पर कितना टैक्स लगा है, 39.20 रुपए। तो इस तरह से ये टैक्स आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये एचएसएन कोड वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।